गया है, तब अभी कोई बोल देता फलाने जात का ही हो गया, उस जात का ही हो गया। अरे तो इसके बारे में सोचने की क्या बात, आ गया तो हम तो बराबर कहते हैं कि अगर जरा भी है तो हम तो केंद्र से बराबर न कहें शुरू से कि केंद्र को करा लेना चाहिए और जाति आधारित जनगणना कर ले। अभी तो देर न हुआ है जी, 20-21 में जो होना था वो नहीं हुआ है, अभी तक देर हुआ, हर 10 साल पर हो रहा था। तो अगर जितना जल्दी इसी साल शुरू कर देना, और अगर इसी को मान ले जाति आधारित जनगणना आप पूरे देश का कर लेंगे, तो आपको आज लगता है कि बिहार में, तो बिहार का जो भी हुआ पिछले बार का जो भी रिपोर्ट आया है, बोलिए 10-11 का जो रिपोर्ट आया या 20 का जो रिपोर्ट आया, तो जो भी है तो क्या है, आप पहले से संख्या बढ़ती ही ना गई है जी। पहले जो था उसमें 8 लाख से कुछ था, और दूसरी बार बढ़ करके हो गया मैंने 10-11 में 10 लाख से आगे, और इस बार बढ़ के हो गया 12 लाख से आगे, 12 करोड़ से। आप इसी में तो एक एक बात बता दिया गया है कि टोटल की संख्या एक एक जगह जो देखा गया, और उसी में उसके परिवार के लोग यहां नहीं बाहर रहते हैं। हम एक आग्रह करेंगे, जब शुरू हुआ था तो हम भी अपने घर पर गए जहां मेरा जन्म हुआ बख्तियारपुर में, और वहीं पर जाकर के हम भी थे, और जो कर रहा था एक एक बात वो बुलाने गया था, हमारे भैया कर देते लेकिन हम भी गए, सबको कहा सबको लेके चलिए, और एक एक बात हमने कहा कि भाई हम लोग इतने हैं, आप भैया का दो लड़का दिल्ली में है नौकरी, और उसका भी एक एक बच्चा वहीं रहता है, तो इसलिए उसको यहां पर कैसे, उसको तो बाहर। इसी तरह से तब जो कहते हैं कि हमको नहीं पूछा, तो हम तो आग्रह करेंगे कि भाई जो हो रहा था तो सब लोग अपने अपने घरवा पर गए, कह रहे जाना चाहिए ना, हम आपको बता जानने कहे के लिए। नहीं नहीं मेरा बतवा सुन लो, बाद में जो कहिएगा। हम कह रहे हैं कि पहला दिन जो शुरू हुआ तो हम खुद चले गए, आई पूरा मीडिया में नहीं छपा था कि हम भी वहां पर बैठे हुए हैं, आ कितना न्यूज छपा था, अब बाहर में पटना से लेकर के 25-30 मीडिया का लोग वहां पर था, और सब हमसे पूछ रहा था बात। तो एक एक बात हम कहे सबको करना चाहिए भाई, जो रिपोर्ट आ गया, और जब भी हम भी रिपोर्ट देखे तो देखे नहीं, हम जिस जतिया के हैं तो उसके बारे में जो मानता था कि इतना है तो उससे घट गया, तो किसी के बारे में कम था उसका देखे कि बढ़ा हुआ, किसी का और कम है, तो कहने का मतलब उसे क्या कीजिएगा। इसका मतलब है कि जिनकी आबादी बढ़ रही है तो जरा भुला रहे हैं, अब जो बतवा हो रहा है अगर सब चीज का आंकड़ा अभी हम आपको बता रहे हैं आप देख लीजिए, हाँ हाँ सब, अरे सब है, अरे सर आप जरा देख लीजिएगा, सुनिए ना बैठिए ना, आप अभी आपको बैठिए ना बैठिए, आपको अभी बैठा सुनिए ना प्लीज, अरे आप सुनिए ना बैठिए ना, एक सेकंड सुनिए ना, नहीं नहीं आप जो कह रहे हैं आप हस्तांतरण, अरे और बतवा सुन ना लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री तो सही आप बात कह रहे हैं वो अलग चीज है, अभी और बतवा सुन ना लीजिए प्लीज, अब तो आप बोल दिए ना भाई, अरे भाई आप एक बात बोल रहे हैं बैठिए, अरे अभी तो आप बोल दे दिया गया पूरे राज्य का आपको, आप कह रहे हैं कि सबका सर्वे हुआ है और उसको भी एक एक चीज को पब्लिश कर देना चाहिए, एक बोल रहे हैं तो हम लोग भी कहेंगे कि वो भी कर देना बाद में, इसमें क्या दिक्कत है, असली चीज है कि जो अच्छा आज तक हुआ है याद करिए ना, आज तक जो केंद्र से जो किया जाता है जनगणना जो होता है पूरे राज्य का देश का, तो उसमें कहीं पर भी किसी पंचायत का किसी का कुछ आता है रिपोर्ट, नहीं नहीं सुनिए अब अलग बात है, वो आप कह रहे हैं तो एक अलग चीज है, उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग सोच लेंगे, वो आपका विचार है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि कितना बड़ा काम कर दिया गया, तो एक एक तरह से जो सब कुछ कर दिया गया अब आप